हापुड़ की मेरठ रोड पर स्थित मोहल्ला कृष्ण विहार निवासी कुछ महिलाएं सोमवार को हापुड़ कलेक्ट्रेट पहुंची और मोहल्ले में संचालित एक फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मोहल्ला निवासी अंजना शर्मा का कहना है कि आबादी के बीच फैक्ट्री चल रही है, जिस कारण हो रहा प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। फैक्ट्री से इतनी तेज आवाज़ आती है कि छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तेज आवाज़ के कारण स्थानीय लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जिन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन अधिकारी को दिया और मामले में कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ले में फैक्ट्री होने की वजह से वहाँ ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई में भी बहुत खलल पड़ रहा है, प्लस ऑनलाइन बच्चे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मोहल्ले में तरह तरह के आदमी आ रहे हैं, जिससे हमारे मकानों की भी सेफ्टी ख़त्म हो रही है। बहुत प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन तो है ही है, स्पेस भी बहुत कम है। हाँ, और गली थोड़ा छोटी है तो वहाँ वाहन खड़े रहते हैं, पूरा बहुत गंदा एरिया हो गया। कॉलोनी में यही है कि फैक्ट्री चलती है तो आवाज़ें आती है, बहुत तेज़ तेज़ मशीनें, और जाम लग जाता है और पॉल्यूशन हो ही रहा है। और बाकी हम तो डीएम साहब के यहाँ वो करने आए हैं कि शिकायत के जो है हमारी सुनवाई करो, यानी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा वो बड़े लेवल पर कर रखी है उन्होंने, दो दो फैक्ट्री खोल दी। दिक्कत हो रही है सभी को ही, और सभी कहने भी गई हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, पहली बार ही आए हैं शिकायत करने। शिकायत हमने उन लोगों से करी थी जिनके यहाँ लग रही है फैक्ट्री, वो बस ऐसे कह देते हैं कि हाँ ठीक है कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो काम चलता रहता है, उनका दिन रात चलता रहता है और वो काम पे काम बढ़ा लिया है, इतना सारा कागज़ का रेत मिट्टी, दुनिया भर का धूल मिट्टी। हम कृष्णा बिहार कॉलोनी मेरठ रोड से आए हैं। समस्या ये है भैया कि हमारी कॉलोनी में फैक्ट्री है नल की, और उससे इतना जाम वहाँ पे, पॉल्यूशन जाम, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जाती हैं, बहुत सारी लेबर मजदूर के कॉलोनी की शांति भंग है। बता दें कि लोगों का कहना है कि गली ज्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन तब भी यहां वाहन खड़े रहते हैं, जिस कारण अतिक्रमण भी हो रहा है। साथ ही हर समय लोगों का जमावड़ा रहता है, जिस कारण महिलाओं को निकलने में असुरक्षा महसूस होती है। उनका कहना है कि फैक्ट्री संचालक को कई बार मामले से अवगत कराया गया, लेकिन उसने एक ना सुनी, जिसके बाद वह कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारी से मामले में कार्रवाई की मांग कर रही हैं।